three, say cheese! अरे अरे वाह, मैं छुप गया। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग आप सभी को। काफ़ी लेट हो गया, काफ़ी लेट गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ, लेकिन मैं तब उठ गई थी, मोबाइल मेरे पास नहीं था। एंड अभी जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन बस मैं नहा वहा सब आई हूँ पूजा करके। और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि सबसे पहले हम लोग चल जाते हैं मंदिर, तो मंदिर जाते हैं पहले पूजा करके आ जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि आज क्या है, और आज है हमारी एनिवर्सरी, तो आप सभी भी ज़रूर करिएगा। तो हैप्पी एनिवर्सरी, मुझे रोना आ रहा है। एक साल हो गया। मैं भी रोई थी, मेरे आँख में देख सकते हो आंसू है। एक साल हो गया था हम लोग के, एक साल हो गया हम लोगों को। हम लोग रो दिए, हम लोग को एक साल हो गया करके। माता हम लोग को मिस नहीं करी है, देख लो। शादी की बहुत बहुत बधाई हो, शादी सालगिरह की। उसको डिलीट करना नहीं करूंगी। जब फ्रेंड्स हम लोग अभी जा रहे हैं मंदिर, जल्दी से पूजा करके आते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह जो है भूख लगी हुई है काफी तेज। नहीं मम्मी, बिना बिस्करे भी पूरा है। हाँ। तो फ्रेंड्स आज होने वाली है शाम को धमाकेदार पार्टी, क्योंकि एनिवर्सरी हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है, तो पार्टी होना तो बनता है, तो होने वाली जबरदस्त पार्टी। तो उसकी तैयारी हम लोग आज दिन भर करने वाले हैं, क्योंकि कल कुछ नहीं कर पाए थे। सारे गेस्ट आने वाले हैं घर में, सारे के सारे गेस्ट आने वाले हैं। अभी दो तीन लोग आए हुए हैं, बाकी सब आज आ जाएंगे। तो उससे पहले हमको सारी तैयारी करनी है, जिससे कि मैं दिखा देती हूँ। अभी से तैयारी चालू हो गई है सुबह से ही। सब फ्रेंड देख सकते हो, इतने सारे प्याज सारे कटे हुए हैं, इतने सारे उगा जा रहे हैं। हलवा की तैयारी, ये चिकन की तैयारी, इधर मम्मी बैठी हुई किचन साफ कर रही है, ये रोते रोते काट रहे हैं। थोड़ा सा हेल्प करना तो बनता है सारी पतियों का, तो हेल्प कर रहे हैं। मम्मी अपना लगी हुई है किचन में, और अभी मैं भी करने वाली हूँ कुछ कुछ काम। सो फ्रेंड्स हम लोग को जो है सो फ्रेंड्स हम लोग अभी जा रहे हैं मार्केट, थोड़ा कुछ कुछ लेके आना है, क्योंकि बहुत सारी तैयारी करनी है, जैसे पंडाल लाना है, लाइट लाना है, केक लाना है, और भी बहुत सारी चीज़ें लानी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लाने के लिए। मैं दिखा देती हूँ हम लोग क्या क्या लेके और आएंगे, क्योंकि अभी याद नहीं आ रहा है बहुत सारी चीज़ें, तो चलते हैं। सो फ्रेंड्स हमें ये वाला केक थोड़ा अच्छा लग रहा है, एक ये वाला भी दिखा दो। एक ये भी केक है, येलो वाला केक लेने के लिए आए हुए हैं। केक तो बहुत सारे हैं, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो ये सोच रही थी कि बनवा लें केक, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, अगर मिला बना मुला है, मिला है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। नहीं साड़ी पहन रही हूँ ना मैं। और ये दूसरा केक आई थिंक मेरे ख्याल से वही बेटर है। हाँ वो बेटर है, सही लग रहा है वो। देख सकते हो फुल तैयारी चल रही है, और ये ढेर सारा चिकन ही चिकन है, इतना सारा चिकन, दाल है, पनीर भी है, और इधर और चल रही है तैयारी। आज हमारे घर में फुल ऑन तैयारी चल रही है खाने पीने की, और माते भी लगी हुई है फुल बैठ के चिकन बनाने के लिए, और मेरा जो है पनीर बन के बन रहा है। सो फ्रेंड देख सकते हो बलून फुलाने की जो तैयारी है वो काफ़ी ज़ोरों से चल रही है, और हमने काफ़ी सारे बलून जो है वो फुला चुके हैं, जैसे कि दिखा देती हूँ। ये पूरा जो है इधर नीचे इतने सारे जो बलून है वो पूरे, मैं बलून से अभी पूरी घिरी हुई हूँ पूरी। तो अभी काम हुआ है सिर्फ बलून फुलाने का, उसके बाद करते हैं नेक्स्ट आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो टेरेस में जाने के बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी काफ़ी तेज धूप है। अब देखते हैं वहाँ ऊपर जाते हैं, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट आगे का डेकोरेशन दिखाती हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हो फुल ऑन तैयारी जो है चालू हो गई है, और ये जो है हमारा वॉल जो है वो रेडी है फुल हैप्पी एनिवर्सरी का। बहुत मेहनत की है हमने पिछले 2 घंटे से, सारा लाइट सिस्टम सारी चीज़ें लगी हुई है, सब लोग बैठे हुए हैं, डिनर का इंतज़ाम हमने यहाँ पे किया हुआ है कुछ इस तरीके से। और सबसे ज़्यादा इंजॉय ये लड़का कर रहा है, ये भाग भाग के कर रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा मेहनत करे हैं। तो
मस्त लग रहा है देखो, रात का जो माहौल है कुछ इस तरीके से है। सो फ्रेंड्स, शाम के हो रहे हैं 6:30 और मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि मैं क्या, सब लोग थक गए हैं क्योंकि सब लोग काम करे जा रहे हैं। सुबह से खाना बनाना, फिर ऊपर डेकोरेशन का बलून फुलाना, हमने बहुत सारा बलून फुलाया है, बहुत ही सारा डेकोरेशन, देख के आपको समझ में आ गया होगा। और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, रेडी होने का टाइम बिल्कुल नहीं है, तो मैं जल्दी से जाती हूँ। अब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। और भाई, खुद की एनिवर्सरी में अच्छा नहीं लगेगा तो कैसे हो गए, लेकिन अभी टाइम बिल्कुल नहीं है, तो लटपट जल्दी तैयार हो जाए। गाइस, हम लोग हो गए हैं रेडी और देख सकते हो हमारा लुक थोड़ा सा सिंपल है लेकिन सूथिंग है। आप देख सकते हो ये भी तैयार हो गई है पिंक साड़ी में, कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताना। तो अब हमारा पार्टी के लिए हम जा रहे हैं, हमने छोटा सा अरेंजमेंट करा है और इससे पहले भी आपको पता दिख गया होगा क्या डेकोरेशंस करें कैसे नहीं, तो एक बार कंप्लीट होने के बाद ऐसे कंप्लीट होने के बाद में कैसा लग रहा है ये ज़रूर देखना और जुड़े रहना हमारे साथ में। कैसी लग रही है बताना, अभी तक तो कोई मेरा साड़ी देखा ही नहीं। और गाइस, सबसे मस्त बात, मैं इसके लिए गिफ्ट लाया था और मैंने एक गिफ्ट दिखा दिया इसको पहले ही, छोटू सा पिद्दू सा, ये लो। नहीं, मुझे उसी टाइम, ये लो, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, ये लो। और सो फ्रेंड्स, मैं ये लो, ये तो मुझे नहीं चाहिए अभी। और मैंने इनके लिए एकदम खास वो रखा हुआ है गिफ्ट, मतलब गिफ्ट जो होता है वो सामने वाले की सोच के हिसाब से होना चाहिए कि सामने वाले को चाहिए क्या, मतलब अभी उसे किस चीज की जरूरत चाहिए क्या, ठीक है ये? तो उस हिसाब से इंसान गिफ्ट देता है। तो मैंने इनके लिए वैसा गिफ्ट लाया हुआ जिसका इनको बिल्कुल भी पता नहीं, ये खुद सूट कर रहे हैं लेकिन वो फिलहाल थोड़े देर बाद चलेगा, तो वो अभी मैं बताऊंगी। तो हम लोग ज़्यादा ना, मैं सच बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इनको भी नींद आ रही है, मेरे को भी नींद आ रही है, 8:30 बजने वाले, लेकिन क्या ही एक्साइटमेंट दिखाएं, बहुत ज़्यादा मेहनत करें, थक गए दिन भर, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। ये साड़ी भी पहनने की इच्छा मेरे को बिल्कुल नहीं हो रही है, सच बताऊँ तो बहुत हैवी लग रहा है, घुटन हो रहे हैं, इयररिंग्स इतने बड़े बड़े हैं कि कान ऐसे कट हो जाएगी, लैंग्वेज कान जो ऐसे लटक के बाहर आ जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है, मैं क्या बताऊँ, अब बिल्कुल इच्छा नहीं होती रेडी होने की। वैसा लग रहा है बेड सामने दिख रहा है, खुद के फेंक दूँ, पूरा बेड दिख रहा हुआ है अभी, सब सामान हमारा, बस इतनी इच्छा हो रही है कि मैं अब सो जाऊँ, निकाल के सो जाऊँ यार बस। लेकिन क्या करना है, हमको तो पार्टी करना है, तो पार्टी के लिए आपको तो देखना पड़ेगा, तो हम ऐसे हालत में, नींद वाले हालत में अपनी पार्टी कैसे करते हैं वो जरूर देखना। संभाल के बच्चे, संभाल के, घुटने में और बेटी लगी हुई है मेरे को। अरे बाप रे, इतने सारे लोग हो गए, चल रहा है दूसरा कैमरा गिर रहा है। मोबाइल लगाना पड़ेगा।
ठीक है, हमने खुद ही कराई गिफ्ट लाया था इसके लिए। डाउन करना, डाउन ना, म्यूजिक डाउन करो ना, इसे वो लेके आना इसके लिए, वो इसका गिफ्ट लेके आना है, उधर रखा है ना वॉशिंग मशीन पे। हाँ एक गिफ्ट लाया आपके लिए, आगे बंद करो, इधर आगे बंद करो, इधर उठो, इधर गिफ्ट तो गिफ्ट है ना भाई, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है यार, छोटा सा बड़ा, कैसे लगा आपको? अच्छा लगा मेरे को, अच्छा लगा, काम कर रहा था। सो फ्रेंड देख सकते हैं मेरे को ये गिफ्ट मिला है एनिवर्सरी में, देख सकते हो ये अच्छा नहीं है, ऐसा बताना अच्छा गिफ्ट नहीं है, कितना प्यारा लग रहा है। नहीं ये क्यूट टेडी है, ये क्यूट छोटा सा टेडी है, टेडी है छोटा सा, छोटा सा टेडी है। तो कैसा लगा आपको टेडी? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, सफिशिएंट, खुश, हैप्पी? हां अरे वाह, ठीक है, सब का इधर भी तो लो, तो अरे आओ, क्या कर रहे हो? ये कैसा लगा, क्या हो सकता है? कुछ कपड़ा है, तारे तोड़ के ले आया यार, यार इसमें ठीक है, पकड़ लो ना, और क्या, चलो ये भी ले लो, फिर आप अच्छा लग रहा है इतना, तो अब ये ले लो, ये लो, सच ये ले लो, ये लो, हाँ इसका स्टिकर पीछे छुपा लिया, कुछ लिखा नहीं था मैंने इसलिए। हाँ हाँ धीरे 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 धीरे, ज्यादा नहीं, इतने है कुछ है इसमें, अच्छा है, भारी भरकम लगा, भारी भरकम है, नहीं ये बड़ा टेडी है, कुछ भारी भरकम है, हाँ कुछ स्पीकर वगैरह नहीं ला लियो आप, हो सकता है ना, स्पीकर अच्छा लगता है, गाने वाने सुनना अच्छा लगता है। एक और है, ये समझ मत, एक और है, लो इसको खोलो, खुलवा दे इसको, एक आध गिफ्ट खुलवाए, खोलो जरा, खोल के ये ले, ध्यान से ये ले, ये ले, ये ले ध्यान ले, ले तेरे लिए, अब पटक दियो, ये खोल ले, बता दे क्या है इसमें, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है,
वो तो लहर रहा है। क्या धीरज जी क्या कर रहे थे आप? नहीं नहीं ये तो लहर रहा है, ये पहना भी दो। अच्छा चल रहे भाई, ये लो तो ये दिया छोटा सा इसको बिचारी को, देखो छोटा सा कैमरा को दे। लेकिन ये उल्टा है। अच्छा ये लो ना डाल लो, कोई नहीं बाल के पीछे छुप जाएगा। बाल के पीछे छुपा देंगे स्टिकर है। अरे नैला है तो पहनूंगी नहीं, अब खोलने तो बस बाकी तो गिफ्ट अनबॉक्सिंग व्लॉग में देखूंगी। एक बार दोबारा फिर से भाई दिख रहा है। यस yes, वही सेम गलती दोहराते हुए आप देख सकते हो। अच्छा लग रहा है? अच्छा तो लग रहा है, आप बताओ। ठीक है तो ये निकाल देते हैं। चलो नहीं मैंने निकालूंगा भाई, मैं मेरे लिए इतना बड़ा गिफ्ट मैं आपके लिए नहीं लाई हूँ, लेकिन मैं बहुत छोटा सा फुद्दू सा गिफ्ट लाई हूँ। हाँ तो चलेगा, आप जानते हैं मेरा फुद्दू सा गिफ्ट कैसा होता है। अरे ये कैसे हेल्पिंग हैंड्स आ रहे हैं यार। ये देख रहे हो, जैसा कि मैं बोली थी छोटा सा ही गिफ्ट है, तब आप ये खोलो। थैंक यू सो मच इस गिफ्ट के लिए। तो आप गाइस आप देख सकते हैं, गाइस बाद में पहले देखते हैं क्या दिया है इसमें। वैसे तो मतलब देखकर ही एक्सपेक्टेशन हो ही रहा कि जानी पहचानी चीज है इसमें, क्या है देखते हैं वो खोल के, वो पता है लेकिन देखते हैं क्या है। मे भी शायद वही सेम डब्बे से पता चल रहा है, दूसरा डब्बा लगाना चाहिए आज करनी। खतरनाक पैकिंग भी करनी जरूरी होती है। शेट यार मैं नाखून काट लिया था, अब खुली नहीं रही तो। इसको बोलते हैं खतरनाक पैकिंग, खुलता ही नहीं। हाँ खुल गया। अरे फाड़ दे ऐसे मेरे खींच के। अरे नहीं रुको, तुझे भी चाहिए। कैसे भाग रहे इधर उधर, तो वैसे देखकर पता ही चल जाता कुछ कुछ सुंदर होने वाला है इसमें। खुली नहीं, अरे अरे ताला लगा इसमें, भाई पासवर्ड है क्या इसका? आई लव यू। अरे खुल गया ये तो देख सकते हो बड़ी प्यारी सी एक छोटी सी सोने की रिंग है। हाँ ये पहनी हुई है, किसमें पहनोगी? हो रखी है शादी मेरी। हाँ मुझे पता है मेरी सीन है इसमें। चलो अरे वाह, क्योंकि मैं आपका नाप लेके गई थी। ये कब हुआ दिखा दो। ये देखो ये वाली है इनकी 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 ना। हाँ, मतलब ना कि अब इनको गोल्ड वाली रिंग चाहिए, इसलिए। आपको कैसा लगा? नहीं बहुत अच्छी लगी, मतलब ये तो मैं काफी महीनों से कह रहा था। क्या दो चार महीने से मैं कह ही रहा था कि यार ऐसे ना थोड़ी गोल्ड वाली चाहिए, ये पतली हो जाती है। हाँ तो चलो भाई, गिफ्ट तो अच्छे लगे, काफी अच्छे लगे, मेरे को भी अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, ये तो मैं खोल के देखूंगी। नहीं बस मैं तो एक ही लाई थी, ये बहुत भारी है। चलो भाई बढ़िया है, ये तो बाद में खोलेंगे। ठीक है तो मैं ये बोल रही थी आने के लिए भी और इसके लिए भी। जो पिछली बार तो आए नहीं थे, जैसे आपने देखा होगा कई सारे इधर आ जाओ, बड़े बड़े गिफ्ट मिल रहे थे मम्मी ने। ये एक चेक है, ये बड़ा वाला चेक नहीं होता जो देखा होगा अवार्ड शो में, चेक मिलता है ना, ये वाला चेक है। इसको खोले कि नहीं खोले? खोल के देखते हैं, सेकंड में खुल जाएगा। खोलना है तो नहीं, दो सेकंड में खोलते। चलो खोल ही देते, रेडी वन। हां इतना ही रह गया, शिट देखते हैं इसको। ये तुरंत ऐसे निकाल लेंगे सामने से, सामने से देखो क्या है क्या है।
मैं छुप गया नीचे। अरे हाँ, ये यादें ताजा कैसे हो गई आज। बहुत अच्छा गिफ्ट है, बहुत मतलब दीवार से भी बड़ा है ये, तो इसे हम कहाँ डालेंगे समझ। अच्छा, जिसको देख देख कर डेली सुबह उठ के मैं अपनी गलती को सुधारूंगा यार। नहीं 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 नहीं, 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 नहीं। इसको रखा दे, छोड़ छोड़ यही रख दो ना, दो फ्री पिक एंड डिलीवरी का ऑप्शन भी हमारे पास में। अब ले ठीक एक्चुअली हम लोग ना मतलब गेम तो वैसे खेलेंगे बाद में, लेकिन ना एक चीज जो है वो अभी सबको गैस करनी है, तो हम लोग जो भी गाना प्ले करेंगे उसके हिसाब से सबको गैस करनी होगी कि वो क्या चीज हो सकता है। ठीक है गेम तो अभी कंटिन्यू रहेगा आगे और बहुत सारे, लेकिन अभी मतलब सबके लिए हो जाएगा ना गैस करने के लिए। ठीक है, गाना सुनना और सबको जल्दी जल्दी जवाब देने हैं। ठीक है, यार हाथ उठा देना जिसको जवाब देना हो ना, वो पहले हाथ उठा देना। नहीं ये क्या है, गाना सुनते ही मतलब तो ये जवाब देना है कि ये क्या चीज हो सकता है गाने के हिसाब से। तो केक को साइड कर लेते थोड़ा सा। नहीं नहीं ठीक है, उधर रखवा देते ना, यहाँ साइड में रखवा देते केक को ना। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। बधाई हो, ठीक है बधाई हो। सब समझ गए ये जो कौन गेस किया, शुक्रिया भाई, थैंक यू। सबसे ज्यादा खुश है, उससे भी छोटा आने वाला है। डबल सरप्राइज आपके लिए, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू, बहुत जल्दी है। अरे वाह, दोनों ही मामी आए हमारी। हैप्पी एनिवर्सरी दीदी, बोलो। थैंक यू, एक ले लो मतलब। हमारी नानी परनानी बनने वाली है। हाँ, परनानी बनने वाली है। आज चलो जाओ, सबसे बड़ी गलती करी है ट्राइपॉड खरीद के, इसी को बुला लेना सीधा हर बारी, एकदम सही पोजीशन पे खड़ी है। जेब में गया सीधा, जेब में मुझे लगा ये डाल दिया, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ।
कोट पहनाई। ये फिर लिखा होगा ये आपको ये ना टाइम कितना है अरे हमारे भैया का कंस्ट्रक्शन का काम है इसी दिन है भैया एक टाइल का टुकड़ा दीवार पे लगाना पड़ेगा क्या दीवार पे लगाने वाली है लग रहा है ये मेरा साला है ये मेरा जी है ये मेरी इधर देखो ये भी चाह रही है कि शादी है मेरी नहीं है कई शादी लेकिन ये फिलहाल मेरा पल्ला कम जोड़ो आओ जल्दी इधर फोटो दिए आ जाओ मामा जी इधर आ जाओ ना आगे हाँ आगे आ जाओ आगे आगे पीछे का भी अरे धीरज जी धीरज जी वाइड एंगल वाइड एंगल से अच्छा बनेगा उधर देखना ना लाइट साइड देखना सबके सब आ रहे हैं अब सब लोग कीज करना ना ऐसे साइलेंटली मत खिंचाओ चलो कीज करना नहीं है ना ज्यादा तेज कर दिया जी अच्छा लगा हमें आप सब लोग आए हमारी एनिवर्सरी में क्योंकि देखो अकेले तो कोई कुछ नहीं बना सकता सब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो खुशियां बांटने में हमें भी अच्छा लगता है थैंक यू सभी को हमारी एनिवर्सरी में आने के लिए वेलकम भी बोलो सब वेलकम चलो इसी को आगे फॉलो करते हैं और डिनर करते हैं सब लोग अरे हाँ उसको तो फोड़ना रह गया उसको उधर ही चलाते हैं उधर ही चलाते हैं हेलो एक ही तिली बची है एक सारे फोड़ने बाप रे चलो यही लगा तो दिखाई चल पीओ ले पीओ लेना फोटो लेना वीडियो वीडियो ले भागो डुगो ऊपर दिखाते जाना अरे मेरे को डर लगता है अरे वीडियो बनाना है अरे मैं वीडियो बनाना है अरे जा रहा है जा रहा है सब अरे बैठ के दिख रहा है क्या अभी हमारे फोटो नहीं
उसको सुला के रखवा देते हैं। पटाखे तो भाई बड़े मजेदार फूटे, मेरे को नहीं पता था सच में इतने अच्छे पटाखे लाए। अनार भी है मेरे पास। अरे की सारा लाए हुए तो अभी हम लोग करते हैं। क्या हुआ? चलो डिनर करते हैं भाई। अरे जैसा ना कोई जग घूमे अरे जैसा ना कोई जग घूमे उड़ जाता, फट जाता तो बच गया। माहौल दिखा दे। रुको 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 रुको। अरे ऐसे तू बता। इस लड़की को देखो, खा ली और देखो खा जा रही है। सब फ्रेंड डिनर जो है हमारा खत्म हो चुका है, बस हलवा हलवा बाकी है और कुछ नहीं। बाकी सब लोग जा चुके हैं। कहाँ गई आई? इन्हीं दोनों जो है जो सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं इस पार्टी को। कैसे? सो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं रात के 12 और हमारा जो एनिवर्सरी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो गया और काफ़ी ज़्यादा सब लोग खा के आराम से जा चुके हैं। हम लोग लास्ट में बचे हैं, सब लोग जा चुके हैं, खाली हो गया। इस तरीके से हमारा जो छत था वो अच्छे से डेकोर हुआ था, पीछे तो आप देख ही रहे हो। आप कुछ कहना चाहोगे? मस्त रहा, मज़ा आया एकदम। मतलब छोटी छोटी पार्टी करने में बड़ा मजा आता है। छोटी छोटी पार्टी करो, सब लोग जब इकट्ठा होते हैं, मेन मकसद क्या होता है यार कि जब सब लोग रहते हैं ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि सब लोग आए हैं, हमारी खुशियों में शामिल हुए हैं। मतलब जो खुशियों में शामिल होता है ना, हाँ यार उनको बुलाओ, वो हमारे साथ आते हैं, बैठते हैं, खुश होते हैं, हमें देख के खुश होते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे कि आप लोग में से कुछ लोग हमें खुद देख के खुश हो रहे होंगे, कुछ लोगों ने ऐसा मुँह बना रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, इग्नोर करते हैं हम लोग। खुश रहो यार, हंसते रहो, हंसाते रहो, बस हम तो यही चाहते हैं। बाकी हमारी एनिवर्सरी जो है बहुत अच्छे से हुई, फर्स्ट एनिवर्सरी, और आपको लास्ट में और एक बार हैप्पी एनिवर्सरी। ये तो आज का ब्लॉग जो है मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड विशेस ज़रूर करें, विशेस हाँ कमेंट करें, विश करें, ठीक है। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। इयरिंग तो मैं पहले निकाल दी, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं क्योंकि बहुत देर से थक गए। फिलहाल मैं इतनी हैवी साड़ी पहनी हुई हूँ कि सब तरफ से चुभ रहे हैं मुझे, इतने कांटेदार ऐसा लग रहे हैं, सितारे लोग चुभ रहे हैं। तभी हम लोग जाते हैं। गुड नाइट आप सभी को एंड थैंक यू। बाय।